तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टिकटॉक पे कॉमेडी वीडियो कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम आता है टिकटॉक पे, यदि हम लोगों को कॉमेडी वीडियो बनाओ तो हम स्क्रिप्ट कहाँ से लाएंगे। एक ही तरीका बताऊँगा स्क्रिप्ट आपको कहाँ से लाना है, दो से तीन तरीके बता दूंगा जिससे आपको क्या स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, पूरा आसानी से आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगा, उस स्क्रिप्ट पे कॉमेडी वीडियो आप बना सकते हैं। तो आपको सिंपल करना क्या है, यूट्यूब पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है कॉमेडी वीडियो सीन। और दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इन वीडियो पे आप उसी वीडियो की तरह सेम आप बना सकते हैं। और इसके बाद फिर से हमें यूट्यूब पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है बिल्लू कॉमेडी। और यहाँ पे दोस्तों बिल्लू कॉमेडी करके बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, सारे वीडियो आपको देख लेना, जो जो वीडियो आपको सही लग रहा है उस वीडियो पे आप बना सकते हैं, वो भी आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन की मदद से। दोस्तों चलते हैं आपको मोबाइल के होम स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ काइनमास्टर एप्लीकेशन से उस वीडियो को कैसे एडिट करना है। एडिट करने से पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कि जो भी वीडियो आप देखते हैं, आप बिल्लू को देखते हैं, दोस्तों जो बिल्लू बोलते हैं वो आपको बोलना है, अदर जो व्यक्ति बोलता है वो आपको सेम रहने देना है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से पहले अपनी वीडियो को शूट कर लेना, जो जो बिल्लू बोलते हैं सेम वॉइस पे भी आप शूट कर सकते हैं, या फिर कॉपी या डायरी में आप स्क्रिप्ट को लिख कर आप अपने वॉइस पे उसमें डालकर शूट कर सकते हैं। शूट करने के बाद काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ मोबाइल को होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है कॉमेडी वीडियो सीन, और यहाँ पे देख सकते हैं कॉमेडी वीडियो हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, कोई भी वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है बिल्लू कॉमेडी, और यहाँ पे देख सकते हो और भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो यहाँ पे कॉमेडी मिल जाता है। दोस्तों, किसी भी वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो आपको मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करके इस वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। प्लस का आइकन पे क्लिक करने के बाद 9:16 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड किया था बिल्लू का, वो यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से हमें मीडिया पे आना है। जो वीडियो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से शूट किए थे वो वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं दोनों वीडियो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो वीडियो जो है छोटा है, तो दोस्तों ये भी कट पेस्ट करने के बाद इस वीडियो को भी हमें बड़ा कर देंगे। तो दोस्तों स्टार्टिंग में हम बात करते हैं, ये वीडियो को पहले हमें देख लेना है। स्टार्टिंग का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पार्ट हम हटा देते हैं। तो दोस्तों हमारा बिल्लू वाला पार्ट जो है हमारा यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं स्टार्टिंग में पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जो मैं यहाँ से यहाँ के बीच में आपको मैं पूछ रहा हूँ उससे तुम्हारा नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे हमें स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद यहाँ से आपको उठाकर लास्ट तक इसे लेकर आना है। और इसके बाद जो हमारा यहाँ से जो बिल्लू जो यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो वो पार्ट को हमें यहाँ से कैंची के निशान पे क्लिक करने के बाद ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। तो दोस्तों ये सब पार्ट जो है कट गया हुआ है, तो अगर हल्का दिख रहा होगा तो आपको फिर से इसको पार्ट को हटा देना है। इसके बाद फिर से इस पर स्प्लिट कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फर्स्ट में पूछ रहा हूँ तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर नाम बता रहा है। इसके बाद फिर से बिल्लू जो भी बोल रहा है वो पार्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद कैंची के निशान पे क्लिक करना है। इसके बाद स्प्लिट कर देना है। इसके बाद इस पार्ट को हमें फिर से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद जो हमने जो बोल रखा है बिल्लू की जगह पे, वो पार्ट यहाँ से हमें लेकर आना है। तो यहाँ पे जितना पार्ट हमें चाहिए उतना पार्ट हमें क्लिक करना है। यहाँ स्प्लिट मैंने कर दिया हूँ। इसके बाद इस पार्ट को उठाकर लास्ट में लेकर आना है। दोस्तों इस पर आप ये प्रेस करके रखिएगा तो ऑटोमेटिक लास्ट तक आ जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से थर्ड वाले ऑप्शन पे ला देता हूँ, तो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों बिल्लू का पार्ट की जगह पे, तो मैं बिल्लू की जगह पे मैं आ चुका हूँ। दोस्तों फिर से इस पार्ट को मैं पहले से बैक कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा पार्ट है जो कट गया।
इसके बाद फिर से मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें जो भी पार्ट लड़की जो जिसमें मैं बोल रहा हूँ पहले मेरा आना चाहिए, इसके बाद इसका आना चाहिए बिल्लू का, फिर इसका आना चाहिए, फिर मेरा आना चाहिए, फिर इसका आना चाहिए। इस तरह से आपको पार्ट को, वीडियो को, पार्ट को आपको एडिट करना है। तो इसके बाद दो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद ये जो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पार्ट जो है तो थोड़ा छोटा लग रहा है, तो फिर से हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे हमें साइज़ जो थोड़ा बड़ा कर देना है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर से हमें इस पर क्लिक करना है, फिर ऐसे इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें साइज़ को बड़ा कर देना है, इस पर फिर से क्लिक कर देना है। और दोस्तों हमें जो चाहिए बैकग्राउंड में साउंड चाहिए, जैसे साउंड इफेक्ट चाहिए, तो इसके लिए आपको फिर से हमें यूट्यूब पे जाना है, साउंड इफेक्ट डालिएगा तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आपको साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद आइडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साउंड ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी आपको साउंड ऐड करना है वो साउंड यहाँ से बिल्कुल आसानी से ऐड कर सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर साउंड हमारा ऐड हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप एक्स्ट्रा साउंड भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो जो है पूरी तरह से हमारा एडिट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप चाहे तो कॉमेडी वीडियो टिकटॉक के लिए बना सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद एक्सपोर्ट कर देना है और वीडियो जो है हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दोस्तों इस तरह से चाहे तो आप टिकटॉक पे कॉमेडी वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सर्जन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।